तो केशव धृत नर हरि को केशव धृत। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी केशव है, तो केशव धृत वे भी एक समय श्रीवास ठाकुर के घर पर, श्रीवास ठाकुर के पिताश्री का श्राद्ध का उत्सव मना रहे थे। तो उसके अंतर्गत विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो रहा था, विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो रहा था जब, तो अलग अलग नामों का उच्चारण हो रहा था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सभा में उपस्थित थे और हर नाम को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो जब उन्होंने नरसिंह भगवान का नाम के उच्चारण का सुना, तो उसके साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में नरसिंह भगवान का आवेश आया, उसके साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिंह जैसी गर्जना करने लगे। वॉज अ रियल थिंग, नरसिंह बन गए, बड़े क्रोधित हुए, न जाने कहां से गदा प्राप्त हुई, गदा हाथ में ली, क्या हो सकता, गदा कहते शायद गदा आ गई। जैसे चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन जब कहां था, जगाए मदाए लीला में चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन को आह्वान करते सुदर्शन आ पहुंचा। चैतन्य महाप्रभु के अब वे नरसिंह बने हैं, नरसिंह का आवेश में गदा लिए और रास्ते में आए और गर्जना करते हुए देख रहे, कहाँ है वो पाषंडी, कहाँ है वो वैष्णव अपराधी, दिखाओ मुझे, ऐसे कहते हुए अपनी गदा को, आ जाओ, कम, I'm here। तो उस आवेश में चैतन्य महाप्रभु को देख के बड़े क्रोधित थे चैतन्य महाप्रभु। तो लोग वो दृश्य देख के, चैतन्य महाप्रभु आवेश में देख के सब दौड़ रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, छिप रहे थे, गलियों में घुस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कई लोग उस लीला से कुछ भयभीत या परेशान है, तो फिर पुनः आ गए श्रीवास आंगन में और शांत हुए, गदा को फेंक दिए और बैठ गए। श्रीवास ठाकुर से वे कह रहे थे, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे परेशान किया कईयों को, ऐसे डराया, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रीवास ठाकुर कहे, नहीं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ, कईयों का कल्याण हुआ। आसुरी प्रवृत्ति के कोई अगर बचे थे वहां, तो सब आसुरी प्रवृत्ति का भी नाश किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस दिन नरसिंह भगवान के आवेश में आकर।